बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका फ्री चिकी के इस चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बेस्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज भी है यहाँ पर, वो लास्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, उनको याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिसमें आप लाइफ टाइम उसको याद कर सके, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पर आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। ये बेस्ट ट्रिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप है, ठीक है। इसको मैं जूम करके लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें सारे राजधानियां सब देखी हुई लिखी हुई है, ठीक है, वो सब हम लास्ट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी बेस्ट ट्रिक से, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ट्रिक बताई जाएंगी। पहली वो ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना होगा, बहुत ही ध्यान से। और सेकंड ट्रिक कौन सी है, वो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे राज्य और राजधानी, ठीक है, पहले सारे राज्य का नाम लिखे हुए हैं, फिर उसके बाद राजधानी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारा पहला है राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी राजधानी है लखनऊ। कैसे याद करेंगे, सारी चीज़ों को आपको एज्यूम करना है, आपको सोच के रखना है कि ठीक है ये बात है, ठीक है ये बात है, चलो ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये सोच कर ही आप इसको आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम चल रही है जिसमें बताते हैं कि उत्तर दो और लाखों रुपये कमाओ, होती है ऐसी स्कीम बहुत सारी कि उत्तर दो और लाखों रुपए कमाओ, ठीक है। तो यही हमारी ट्रिक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ठीक है, लख से लाखों हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर दो और लाखों रुपए कमाओ, ठीक है, हो गया, ये ट्रिक बन गई, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। कैसे, उत्तर दो और लाखों रुपए कमाओ, उत्तर का उत्तर और लखनऊ का, ये जो लाखों रुपए का लखनऊ ले लिया हमने, ठीक है, लख, ठीक है। तो उत्तर दो और लाखों रुपए कमाओ, याद हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, उत्तराखंड का देहरादून, ठीक है, तो उत्तर खंडों में दिया गया है, ठीक है। हमें खंड मतलब कि बहुत सारे, खंड मतलब कि बहुत सारे पेजेस मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस में हमें उत्तर दिए गए हैं, लेकिन क्या करें, हम इतने सारे तो हमें याद नहीं होगा, तो हमें दोहरा दोहरा के याद करना होगा, दोहराना मतलब रिपीट कर करके याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खंडों में दे रखे हैं। बन गई हमारी ट्रिक, उत्तराखंड, उत्तर को हमें दोहरा दोहरा के याद करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर को दोहराना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार का पटना, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बिहार का पटना। कैसे, बिहा करना है तो हमें उसको पटाना होगा, ठीक है, सही बात है, जिससे भी बिहा करना है उसको पटाना होगा, या तो उसकी फैमिली को पटाना होगा, ठीक है, हमें ट्रिक बन गई, तो बिहार का पटना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये सारी राजधानियां हैं, ये सारे, सॉरी, ये सारे राज्य हैं, ये सारी राजधानियां हैं, जैसा ऊपर लिखा है वैसा उसके नीचे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, ठीक है, छत्तीस, छत्तीस राय देते हैं हमें कोई ना कोई, ठीक है, हम कुछ भी करने जाए उससे पहले 36 राय तो हमको मिल ही जाती है। अगर जैसे मैंने घर खरीदना चाहा तो मुझे 36 राय मिल जाएंगी बहुत सारे लोगों से, ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई, ठीक है, 36 राय मिल गई हमको, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का जयपुर, ठीक है, नाम से समझो, राजस्थान का जयपुर, हम कहीं राज कर रहे हैं किसी स्थान पे, ठीक है, हम कहीं राज कर रहे हैं किसी स्थान पे, हम कर रहे हैं या फिर कोई राजा कर रहा है, ठीक है, तो उस राजा की क्या होती है, जय जय होती है, क्या होती है, जय जय होती है, क्यों, क्योंकि वो राज कर रहा होता है किसी स्थान पर, ठीक है, समझ गए आप, राज कर रहा होता है किसी स्थान पर तो उसकी जय जय होती है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई, राजस्थान का क्या हो गया, जयपुर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का शिमला, ठीक है, शिमला जो वर्ड है, ठीक है, अगर आप, वैसे पता होगा बहुत सारी मूवीज में शिमला की शूटिंग होती है तो वहां पर क्या बताया जाता है, बहुत सारे पर्वत बताए जाते हैं ना, बहुत सारे, अच्छा सीन होता है वहां पे, पूरा नेचर बताया जाता है वहाँ पे, बहुत सारे पर्वत ही पर्वत होती हैं, और पर्वत को क्या कहा जाता है, उसका एक और वर्ड होता है हिम, ठीक है, हिम भी कहा जाता है, वो पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। तो शिमला से आप समझ गए हिमाचल, क्योंकि हिम का मतलब होता है पर्वत, और शिमला, हर मूवी में शिमला का सीन क्या होता है, पर्वत होता है, पहाड़ होते हैं, ग्रीनरी बताई जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी ट्रिक है, ध्यान से सुनिए, एज्यूम करिए बस कि ये है ये है ये है, ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट,
गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, इसमें तो ट्रिक नहीं बताना चाहिए वैसे, क्योंकि गांधी जी कहाँ रहते थे? गुजरात से हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, गांधी जी गुजरात से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कर्नाटक का बेंगलुरु, ठीक है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु कैसे याद करेंगे हम? कर्नाटक, ठीक है, नाटक कर रहा है भैया, कोई नाटक कर रहा है, क्यों? उसके पास जरूर बंगला होगा, ठीक है, बंगलुर, बंगला, ठीक है, बंगला वर्ड निकल रहा है यहाँ से, बंगला है उसके पास, इसलिए वो नाटक कर रहा है, ठीक है, बन गया भाई ट्रिक, कर्नाटक बेंगलुर, ठीक है, दोनों तरफ से बता रहे हम, कर रहा है नाटक क्योंकि उसके पास बंगला है, या फिर बंगला है इसलिए कर रहा है नाटक, हो गई हमारी ट्रिक, ठीक है, बहुत सिंपल है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, केरल का त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? थोड़ा समझ लीजिए, मान लीजिए, है ना, हम मान लेते हैं जो करेला है, ठीक है, केरल को हम करेला मान लेते हैं, जो करेला सब्जी है उसके बारे में आप जानते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक है ना, हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, वो खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो जो वेद हैं, ठीक है, वेद आपको पता है, चार वेद होते हैं, ठीक है, उन वेदों में लिखा गया है करेले के बारे में कि ये शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, वेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, तो चलो हम ये मान लेते हैं कि वेद में करेले के बारे में लिखा गया है बहुत अच्छा, ठीक है, ये जो त्रिवेद है, ठीक है, त्रिवेद, वेद वर्ड आ रहा है ना, और वेद पता होगा आपको, जीके में पढ़ा होगा, ठीक है, जो वेद है, ठीक है, उन वेदों में लिखा गया है कि करेला बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई, मान लेना है आपको हर चीज़ को, बस मान लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है, तमिल, ठीक है, तमिलनाडु का हो गया चेन्नई, चेन्नई को अगर वर्ड को तोड़े हम तो चैन नहीं, यहाँ किसी को चैन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, ठीक है, तमिल, मिल नहीं रहा, हम यहाँ बीच में से वर्ड लेंगे, मिल नहीं रहा इसलिए चैन नहीं आ रहा, ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई, मिल नहीं रहा तो चैन नहीं आ रहा, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, इसकी ट्रिक भी बहुत सिंपल है, बहुत फनी है, देखिएगा, पश्चिम बंगाल की हो गई कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में भी अलग हो जाता है, और जब लिखते हैं तो भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का हो गया कोलकाता, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? ठीक है, उसने कॉल काट दिया, कोलकाता, कॉल काट दिया, ठीक है, हमें फ़ोन लगाया और उसने कॉल काट दिया, क्यों कॉल काट दिया होगा? क्योंकि वो पीछे बगल में होगा, ठीक है, अरे वो तो पीछे बगल में था इसलिए उसने कॉल काट दिया, बन गई हमारी ट्रिक, ठीक है, पीछे बगल में था, पश्चिम बंगाल पीछे बगल में था इसलिए उसने कॉल काट दिया, बन गई हमारी ट्रिक, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, असम का दिसपुर, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं सम, ठीक है, सम ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या होता है? जोड़ना, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एडिशन को हम सम भी बोलते हैं, कि चलिए सम करते हैं, ठीक है, हमने सम किया 5 + 5 तो कितना बन गया? 10, 10 बोलो, 10 बोलो, हम 10 बोलेंगे, ठीक है, तो हमने सम किया तो वो 10 बन गया, दसपुर, ठीक है, सम किया तो 10 बन गया, हो गया असम का दसपुर, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम का गंगटोक, ठीक है, इसका देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, गंगटोक, गंगटोक है, गंगटोक, ठीक है, गंगा नदी है ये हमारी, उसमें बहुत सारे सिक्के डले हुए हैं, है ना, गंगा नदी में बहुत सारे सिक्के डालते हैं, हम जाते हैं तो कुछ भी मांग करते हैं, या फिर जिस भी श्रद्धा से हम डालते हैं तो सिक्के डालते हैं गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी, गंग से हो गया गंगा और सिक्किम से हो गया सिक्के, ठीक है, गंगा नदी में हमने सिक्के डाल दिए, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, ये अरुण है, ठीक है, कोई अरुण नाम का लड़का है, उसको मैंने बोला चल चल यहाँ से, बोल दिया अरुण चल यहाँ से, लेकिन वो नहीं गया, तो फिर मैंने क्या बोला? ईट से मारूंगी, चल, ठीक है, अरुण को बोला चल यहाँ से, नहीं तो ईट से मारूंगी, ठीक है, हो गया याद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है, फनी वे में लेना है आपको, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, अरुण को मैंने बोला चल नहीं तो ईट मारूंगी, ठीक है, हो गया याद, अरुण वर्ड को ब्रेक करो, अरुणाचल का हो गया अरुण, चल से चल नहीं तो ईट मारूंगी, हो गया याद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। चलिए नेक्स्ट, त्रिपुरा का अगरताला,
ठीक है, थोड़ा इसकी भी बनाते स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। त्रिपुरा, त्रि त्रि वर्ड को आप जानते हो, थ्री को भी कहते हैं, तीन को कहते हैं, थ्री तीन, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। पुरा से हम ले लेते हैं पुत्र, ठीक है, त्रिपुरा पुत्र ले लेते हैं पुरा से। तो अगर एक आदमी है, ठीक है, उसके पास तीन पुत्र हैं, लेकिन वो तीनों को बाजार नहीं लेके जा सकता, तो वो क्या करेगा? घर, अगर उसको जाना है बाजार, तो वो क्या करेगा? ताला लगा कर जाएगा घर पे, ठीक है, तीनों बच्चे घर में रहेंगे उसके, और वो बाजार जाएगा घर पे ताला लगा के, तीनों को बाजार साथ नहीं लेके जाएगा, ठीक है। ये भाई ट्रिक बन गई, तीन पुत्र है, बाजार जाएगा तो कैसे जाएगा? अगर ताला लगाएगा तो बाजार जाएगा, हो गया, ठीक है। क्या हुआ? त्रिपुरा, तीन पुत्र है, अगर बाजार जाना है तो ताला लगाना होगा, ठीक है, हो गया याद। वापिस एक बार और रिपीट करेंगे आप, तो आपको बहुत अच्छे से हमेशा के लिए दिमाग में याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मणिपुर का इम्फॉल, ठीक है, इम्फॉल, ये ध्यान से सुनेगा, है ना, ये फॉल है, ठीक है, हम फॉल को मान लेते हैं सांप का फन, ठीक है, ये सांप है, उसका है ये फन, ठीक है, सांप का फन है, ठीक है। तो सांप के फन में ऊपर क्या होती है? मणि होती है ना, सांप के फन पे क्या होती है? मणि होती है। जो फॉल का हम फन मान लेते हैं, तो जो सांप का फन है उसमें मणि है, मणिपुर का मणि ले लेते हैं, ठीक है, तो हो गया याद, इम्फॉल, ठीक है। ऑप्शन जो आएंगे उसमें ये फॉल तो लिखा होगा, ठीक है, तो वहां से आप थोड़ा सा ट्रिक ले लेना कि मणि है, मणि किससे रिलेट हो जाएगी? फन से रिलेट हो जाएगी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नागालैंड का कोहिमा, ठीक है, ठीक है, नागालैंड का कोहिमा है, तो कैसे याद करेंगे? देखिए, मैं स्कूल में थी, या फिर चलो कोई मान लेते, कोई बच्चा था स्कूल में, ठीक है, तो वो अपनी मैडम को कहता है कि मैडम वहाँ कोई है, ठीक है, लैंड में कोई है, लैंड मतलब ज़मीन होती है, ठीक है, वहाँ उसने नाग को देख लिया, ठीक है, नाग को देख लिया जो लैंड में घूम रहा था, ठीक है, ये सांप है, ये लैंड में घूम रहा था, उस बच्चे ने देख लिया, तो मैडम को कैसे बताएगा? मैडम कोई है वहाँ, कोहिमा को कोई है वहाँ, ठीक है, क्या है वहाँ? नाग, नाग है, ठीक है, नाग है जो लैंड पे घूम रहा है, वो मैम को बोलता है कोई है मैडम वहाँ पे, जो एक नाग है और वो लैंड पे घूम रहा है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। एक और बार याद कर लेते हैं, नागालैंड, ठीक है, नाग है जो लैंड पे घूम रहा है, जिसे एक बच्चे ने देख लिया तो क्या बोलता है? कोई है मैडम वहाँ पर, ठीक है, कोहिमा कोई है मैडम वहाँ पे, ठीक है, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट, मेघालय का शिलोंग, ठीक है, मेघालय का शिलोंग, तो इसे हम याद करेंगे, ठीक है, शिलोंग वर्ड से आप समझिए, शिलोंग का मान लेते हैं शिवलिंग है, ठीक है, जो शिवलिंग होती है भगवान जी की, आपने उस पर देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है, ठीक है, वो मंदिर में होता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है उनके ऊपर, तो हम जहाँ से पानी गिर रहा है हम उसको मेघ समझ लेते हैं, ठीक है, मेघ से भी पानी आता है, मेघ तो सबको पता है, क्लाउड्स को कहते हैं, बादल को कहते हैं, ठीक है, तो बादल से पानी आ रहा है, ठीक है, किसके ऊपर आ रहा है? शिव जी के ऊपर आ रहा है, शिवलिंग जो है, शिवलिंग है, उनके ऊपर पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मेघ से आ रहा है ना, मतलब बादल से बरस रहा है पानी, ठीक है, रिलेट हो गया, ठीक है, सोच लीजिए आप इस चीज़ को, मान लीजिए, है ना, जो शिवलिंग है उनके ऊपर पानी आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है? मेघालय से आ रहा है, मेघ से आ रहा है, सॉरी, है ना, मेघ से आ रहा है ना, तो ये याद हो गया, मेघालय से शिलोंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा पणजी, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, गोवा पणजी, ठीक है, पणजी को हम मान लेते हैं पंडित जी, ठीक है, पणजी को क्या मान लेते हैं? पंडित जी। अब पंडित जी गौ माता की बहुत पूजा करते हैं, गौ माता है ना, गौ माता मतलब काऊ, है ना, गाय, गाय को कहा जाता है, ठीक है, तो पंडित जी है वो गौ माता की बहुत पूजा करते हैं, बन गया हमारी ट्रिक, ठीक है, गोवा का हो गया पणजी, ठीक है, पंडित जी गौ माता की बहुत पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, मध्य में ही आता है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, तो देखिए हम भी इसको भगवान से रिलेट करेंगे, जो भोपाल को है हम उनको गोपाल मान लेते हैं, हमारे जो गोपाल हैं कृष्ण जी हैं वो हमारे मध्य में है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो हमारे आसपास है, हमारे बीच में ही है, मध्य को बीच कहा जाता है, ठीक है, वो हमारे बीच में है, आसपास ही कहीं ना कहीं है, ठीक है, तो हमारे जो गोपाल भगवान है वो हमारे मध्य में ही है, हो गया याद, मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है। मिजोरम का आइजोल, ठीक है, ठीक है, मिजोरम का आइजोल, ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं देखते हैं, मिजोरम, ठीक है, मैंने जुर्म किया, मिजोरम, मैंने
जुर्म किया, मिजोरम से मी का ले लेते हैं मैंने, जोरम जुर्म किया। अब मैंने जुर्म किया है तो जेल तो जाना होगा, जोल को हम जेल मान लेते हैं, ठीक है। आई को आई इंग्लिश वर्ड मान लेते हैं, इसको हिंदी मतलब मैं ही होता है ना, आई को अब जेल जाना पड़ेगा। मी जोरम, मी भी इंग्लिश वर्ड है, आई भी मैं इंग्लिश वर्ड ले रहे हैं, ठीक है। मी जोरम, मैंने जुर्म किया, ठीक है। मी मैंने ही कोई बोलते हैं, मी जोरम मैंने जुर्म किया, तो आई को जेल जाना होगा, ठीक है। मुझे जेल जाना होगा, आई इंग्लिश वर्ड ले लिया है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करते तो आई मी वो एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। फिर मुझे जेल जाना होगा क्योंकि जुर्म कर दिया, तो ये बन गया मिजोरम का आइजोल। नेक्स्ट उड़ीसा का भुवनेश्वर, इसको कैसे याद रखेंगे, उड़ीसा, ठीक है। ये क्या हो गया, ढीसा, ये लास्ट का वर्ड पकड़ रहे हैं हम, ढीसा है ना, तो ढीसा से हम ले लेते हैं ढोसा, ठीक है। ढोसा हम खा रहे हैं, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट पे जाके, लेकिन थोड़ा ठंडा हो चुका है रेस्टोरेंट में, क्या थोड़ा ठंडा हो गया था, अब हम उसको क्या बोलेंगे, भैया और भून के लेकर आओ उसको, ठीक है, भैया और उसको भून के लेकर आओ और वो स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हम भुने से ले लेंगे भून के लेकर आओ, और स्वर से ले लेंगे कि स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा का हो जाएगा ढोसा लेकर आओ लेकिन भून के लेकर आना और स्वादिष्ट लाना, ठीक है। भुवनेश्वर भून के लाना, और ये स्वर का स्वादिष्ट होना चाहिए, ठीक है, हो गया। ढोसा लाओ भून के लाना, स्वादिष्ट होना चाहिए, हो गया उड़ीसा का भुवनेश्वर। नेक्स्ट झारखंड का रांची, ठीक है, झारखंड का रांची, अब कैसे याद करेंगे, वर्ड थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम बनाते हैं ट्रिक। झारखंड, ठीक है, हम झरने पर गए, झार झरना आ रहा है वर्ड, झरने पर गए तो वहाँ जाकर हमको इतना अच्छा लगा देखे कि हम पूरे रोमांस हो गए वहाँ पे, ठीक है, रोमांचित हो गए, बोलते हैं ना रोमांचित हो गया, मन अच्छा हो गया, रोमांस हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रिक हम मान लेते हैं, ठीक है, ये रांची से हम क्या ले लेंगे, रोमांस ले लेंगे, ठीक है। तो झरने पर जब गए, ठीक है, तो वहाँ रोमांचित हो गए हम, हो गया ट्रिक, ठीक है। तो झरने का रांची हो गया, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की एक ही है तो मैंने एक में ही लिख दिया है, बाकी तो ये राज्य अलग अलग हैं लेकिन एक में लिख दिया, ठीक है। पंजाब हरियाणा का है चंडीगढ़, तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो पंजा लड़ाया, ठीक है, पंजाब से पंजा लड़ाया है ना, हरियाणा से ले लेते हैं हार गया, ठीक है, चंडीगढ़ से ले लेते हैं चिढ़ा दिया, किसी ने चिढ़ा दिया, जब पंजा उसने लड़ाया, पंजा लड़ाते ना गेम खेलते हैं, पंजा लड़ाया तो हार गया, अब जब वो हार गया इतना बलवान होने के बाद तो सब उसको चिढ़ाएंगे, चंडीगढ़ का चिढ़ाएंगे वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। पंजा लड़ाया हार गया सब उसको चिढ़ाएंगे, चंडीगढ़ का चिढ़ाएंगे, ठीक है, बन गई मैट्रिक। पंजा लड़ाया हार गया सब उसको चिढ़ाने लगे, ठीक है, पंजाब हरियाणा का हो गया चंडीगढ़। नेक्स्ट महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, मुंबई के बारे में सब जानते हैं कि वहाँ पर सारे महान अभिनेता रहते हैं, ठीक है, सारे महान अभिनेता वहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मुंबई में, बन गए मैट्रिक। महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, महान है वो सब, महान महाराष्ट्र से हम ले लेंगे महान, सब महान महान अभिनेता कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, मुंबई से ही बनते हैं सब, ठीक है, यह हमारी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का अमरावती, अभी इसके बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन ये सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेट हो गया तो इनकी राजधानी भी चेंज हो गई, ठीक है। पहले तो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद ही हुआ करती थी, ठीक है, तेलंगाना की तो अभी भी हैदराबाद ही है, लेकिन पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब रिसेंट में अमरावती कर दी गई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पिछला अगर पुराना आप देखोगे उठा के तो उसमें आपको हैदराबाद ही मिलेगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, लेकिन अगर अपडेट किया हो अगर आप देखते हो तो उसमें आपको अमरावती मिलेगा। चलिए इसकी ट्रिक हम इनको कंबाइन करके याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे, देखो तेलंगाना है ना, ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ है, ठीक है, जब आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ तो ये आधा हो गया, ठीक है, ये जो तेल लगाया गया है ना, तेल लगा लगा कर है ना, उसको आधा कर दिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने तेल लगाया कि चलो इसको आधा कर देते हैं, आधा कर देते, तेल लगाना मतलब
चापलूसी की, मतलब एक दूसरे को अपनी बातों में लिया कि नहीं इसको अलग करते हैं, अलग करते हैं, है ना, एक दूसरे को तेल लगा लगा कर अलग कर दिया गया है ना, आधा कर दिया, तेलंगाना से अलग कर, तेल लगा लगा कर आंध्र प्रदेश का हम लेते आधा कर दिया है ना, अपनी बातों का तेल लगा लगा कर आंध्र प्रदेश को आधा कर लिया, ठीक है। और आधा कैसे होगा वो, जब उसमें दरार पड़ेगी, ठीक है। हैदरा दरार, हैदरा का ले लेते हैं दरार, है ना, हैदराबाद से हम ले लेते हैं दरार, है को हटा देते हैं तो ये दराबाद का बन जाएगा दरार, ठीक है। तो तेल लगा लगा कर उसको आधा कर दिया उस राज्य को, तो अगर आधा हो गया तो उन बीच में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई, है ना, दरार पड़ गई, हो गया, ठीक है। तेलंगाना, तेल लगाया, आधा किया राज्य को और दरार पड़ गई, ठीक है। और जब ये आधा हो गया और दरार पड़ गई इनमें, ठीक है, तो फिर अब ये अमर हो गया, अब वो उससे अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया, अलग अलग अपना राज्य कर लिया, तो अब वो अमर हो गया, ठीक है, अब ये अमर हो गया क्योंकि उसका अब खुद का एक अलग राज्य हो गया, समझ गए आप। तो आंध्र प्रदेश अलग हो गया, है ना, तो वो अमर हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो वो अमर हो गया, याद हो गया, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, तेल लगाया अपनी बातों का लोगों ने और इसको आधा कर दिया, अब आधा किया कैसे किया, दरार पैदा करके किया, हैदराबाद का दरार पैदा किया, है ना, और फिर जब ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो अब आंध्र प्रदेश क्या हो गया, अमर हो गया, ठीक है। तेलंगाना ने तो दरार पैदा कर दी थी, है ना, तेल लगा लगा के दरार पैदा कर दी थी, तो हैदराबाद का दरार है ना, तो ये अलग हो गया, फिर जब आंध्र प्रदेश अलग हो गया तो ये अमर हो गया, ठीक है, ये हमारी ट्रिक बन गई, हमें मान लेना है याद करने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, वो हमने सारा पढ़ लिया राज्य और राजधानी के बारे में, ठीक है। राज्य और राजधानी टोटल अभी कितने हैं, 28 है, पहले 29 हुआ करते थे बट अब 28 है, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, जुलाई चल रहा है ये अपना, ठीक है, 28 है, पहले 29 थे, तो वन कहाँ गया, एक और कहाँ गया, वो जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वो कहाँ आ गया, सब जम्मू कश्मीर कहाँ आ गया, केंद्र शासित प्रदेश में इंक्लूड हो गया, ठीक है, तो वहाँ से एक कम हो गया और इधर एक ज़्यादा हो गया, पहले ये जो यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 8 हुआ करते थे पर फिलहाल अब 9 हो गए हैं, क्यों, एक कैसे प्लस हो गया, ये जो जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य और राजधानी में आते थे वो अब इधर आ गए हैं, ठीक है, समझ गए आप। चलिए डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, है तो सब भारत का ही हिस्सा लेकिन फिर भी इतना क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये जो डिफरेंस है मेन वो है इनकी गवर्नमेंट का, कि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है इनको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, पर इनका मुख्य कौन है, वो है नई दिल्ली है ना, मुख्य जो विशेष दर्जा दे रखा है वो इन्होंने नई दिल्ली को दे रखा है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी में आता है, ठीक है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर राज्य और जो है राज्य को कौन कंट्रोल करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं ना, ठीक है, वो सब किनके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, नाम से समझ आ रहा है, शासित, शासन चल रहा है यहाँ किसका, केंद्र का, सेंट्रल का, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो जान लेते हैं कितने होते हैं, ये टोटल 9 होते हैं, 9 कौन कौन से हैं अभी जान लेते हैं। चलो पहले ट्रिक समझ लेते हैं हम, अंडमान निकोबार को कैसे याद करेंगे, अंडमान निकोबार आपने मैप में देखा होगा, ये भारत के मैप से थोड़ा सा दूर है और पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर बियर्स वगैरह बहुत रहते हैं, बियर क्या, भालू वगैरह, है ना, पोलर बियर, पोलर बियर आप इमेज सर्च करोगे नेट पे तो कुछ वो भालू जैसे दिखते हैं, वो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार हम ऐसे याद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, तो ये हमारी ट्रिक बन गई, अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा पानी से घिरा है तो वहाँ पर पोलर बियर बहुत ज़्यादा देखने के मिलेंगे, है ना, तो पोर्ट बियर हो गया इसका राजधानी, है ना, याद हो गया, अंडमान निकोबार का क्या हो गया, पोर्ट बियर, ब्लेयर, है ना, ये ब्लेयर है, हम इसको बियर मान लेते हैं, पोलर बियर मान लेते हैं इस वर्ड को, तो पोलर बियर कहाँ है, ज़्यादातर अंडमान निकोबार में है क्योंकि पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ है, ठीक है, और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट आपको अभी बता देते हैं, दमन और दीव, पहले इनका, इसका, इनका तो राजधानी दमन ही है, ठीक है, लेकिन जो दादर और नगर हवेली है इनकी पहले हुआ करती थी शिवालिया, है ना, शिवालिया हुआ करती थी इनकी राजधानी, पर अभी हाल ही में ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, मर्ज मतलब एक हो जाना, विलय मतलब एक हो जाना, ज्वाइन कर लिया है इन दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक
शासित प्रदेश कर दिया गया है ना, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब एक कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं इनमें एक जिले, किसी में एक जिला है, किसी में सिर्फ दो जिले हैं, ज़्यादा जिले नहीं है, काफ़ी छोटे हैं, इसलिए इनको मर्ज करके एक कर दिया गया और इनकी राजधानी एक कर दी गई दमन। ठीक है, ये अभी रिसेंट की बात हो रही है, अभी चल रहा है अपना जुलाई 2020 है ना, अभी रिसेंट की मैं बात कर रही हूँ आपके, है ना। ठीक है, तो ये हमारा रिसेंट अपडेट है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली मर्ज होकर एक हो गया है, उनकी राजधानी एक बन गई है दमन। ठीक है, अगर आप पुराना देखते हैं उठाकर तो उसमें आपको अलग दिखेगा, दोनों का अलग अलग बताया जाएगा, पर अभी रिसेंट में आप देखोगे तो दमन है इनका, है ना, क्योंकि मर्ज हो चुके हैं, एक में कर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ज़्यादातर उसी पे बनते हैं जो थोड़ा चेंजेस जिसमें आ जाता है ना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट करने से तो रहे, तो जिसमें थोड़ा सा चेंज आ गया क्वेश्चन उस पर ही ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, डेट पूछ ली जाएगी या फिर पूछ लिया जाएगा कि अब कौन सी एक राजधानी हो गई, इस तरह से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ को ऐड कर चुके हैं उसमें, लद्दाख लेह। ठीक है, लद्दाख का लेह है, ठीक है, ये जो लद्दाख है इसकी राजधानी है लेह, ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्या बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट न्यूज़ में आ ही रहा है बार बार, तो आपको तो याद होना चाहिए लद्दाख का लेह, इसे याद कर लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश को तो आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नए लास्ट है ना, चलिए पांडिचेरी का, पांडिचेरी है, ठीक है, दिल्ली का नई दिल्ली है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो जम्मू है ना इसके मुँह की मात्रा में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और ये इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, कश्मीर का हो जाता है श्रीनगर, अब कैसे याद करेंगे, एक ही मान लेते हैं इसको, तो क्या याद करें, इसको तो समझ ही जाना आप। ठीक है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, देखो आप सबको पता होगा कि सबसे फेमस मंदिर जो माता वैष्णो देवी का, श्री वैष्णो देवी जो मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में कटरा में। ठीक है, तो ये बन गया मैट्रिक, है ना, श्रीनगर, श्री वर्ड से ले लेते हैं, श्री वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर, नगर तो जगह को बोलते हैं, किसी नगर हवेली वो जगह को बोलते हैं, तो उसको क्या याद करें, ठीक है, श्री को याद कर लेते हैं अपन, श्रीनगर, श्री जो श्री वैष्णो देवी हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में स्थापित हैं। ठीक है, वहाँ पर हैं वो, तो हमें याद हो गया। नेक्स्ट, सबसे लास्ट, अब लक्षद्वीप का करावती, किसे याद करेंगे, अब इसको देखो, लक्षद्वीप, लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब कुछ टारगेट आपने ले रखा है ना, लक्ष्य कोई टारगेट है आपका जिसको आपको कवर करना होगा, करावती का कवर ले लेते हैं अपन। ठीक है, कवर करना है किसी लक्ष्य को हमें, बन गया मैट्रिक। ठीक है, लक्षद्वीप का क्या हो गया, करावती हो गया, कवर करना है हमें किसी लक्ष्य को। ठीक है, मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, पहली ट्रिक ये थी कि आपको मेरी बात को ध्यान से एज्यूम करना है, मान लेना है और उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, और लास्ट अब मैं कौन सी ट्रिक बताऊंगी आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है कि जो भी आपने अभी तक सुना है ना, उस चीज़ को आप अपने किसी भी एक साथी, अपने दोस्त, किसी को भी बिठाओ पास में और उसको बताओ कि देख ऐसी ट्रिक है ना, उसको भी समझाओ ये चीज़। अगर आपने एक बार ये सारी ट्रिक उसको समझा दी या फिर इसी वीडियो को एक और बार उसके साथ बैठकर उसको बोल बोल कर अगर बता दी है ना, तो मेरा यकीन है कि आप इस चीज़ को लाइफ भर कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए ये मैप से मैं आपको बताने वाली थी, ये जो मैप है आपने वैसे देख रखा होगा है ना, तो ये मैप में कुछ खास नहीं है बताने के लिए, ये मैप है आप इसे देख लीजिएगा है ना, अलग से आप देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश ये सब लिखा है, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, ये दूसरा देश हो गया, नेपाल ये दूसरा देश है यहाँ पर। ठीक है, ये पाकिस्तान दूसरा देश है, फिर अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना, ये इनकी बात नहीं करते हम। ठीक है, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ये सारी चीज़ें आ रही है ना, गांधी, ये हम मैं आपको बता रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वैसे आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, वो आधा पोर्शन लिया था मैंने और आधा पोर्शन ये ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स कहते हैं उनको है ना, ये सिस्टर्स के बारे में बता दिए, वेस्ट बंगाल इधर है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, गोवा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो आपको क्या करना होगा, अब आपको किसी एक पर्सन को अपने साथ बिठाना होगा और उसको एक बार आपको बस बोल बोल के बताना होगा, बस सिर्फ आप ये दो स्टेप फॉलो कीजिए, आपको हमेशा के लिए चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रोज़ लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू।